हेलो एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो ट्यूटोरियल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से स्पोकन इंग्लिश ही डिस्कस करेंगे। दिस इज 13 पार्ट। इससे पहले मैं 12 वीडियोस और बना चुका हूं। अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग वन लाइनर सेंटेंसेस देखेंगे और उसके बाद कुछ और चीजें भी आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज रिमूव योर इल्यूजन। रिमूव योर इल्यूजन का मतलब होता है अपना भ्रम निकाल दो। अगर आप किसी व्यक्ति को बोलना चाहते हैं कि अपना भ्रम निकाल दो, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, रिमूव योर इल्यूजन। नेक्स्ट वन इज यू आर वर्थ गेटिंग बिटन अप। यू आर वर्थ गेटिंग बिटन अप का मतलब होता है तुम पिटने लायक ही हो। अगर आप किसी व्यक्ति को बोलना चाहते हैं कि आप पिटने लायक ही हो, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, यू आर वर्थ गेटिंग बिटन अप। अब देखिए, ये आपको बोलने में शुरू शुरू में दिक्कत होगी, आप इतनी स्पीड से नहीं बोल पाएंगे, तो आप इन्हें बार बार प्रैक्टिस करें। ओके, ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करें, उसके बाद आप अच्छे से बोल पाएंगे, यू आर वर्थ गेटिंग बिटन अप, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डोंट क्राई लाइक चिल्ड्रन। बच्चों की तरह मत रो। आप किसी व्यक्ति को अगर बोलना चाहते हैं कि बच्चों की तरह मत रो, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए, डोंट को अब डोंट ना बोले, आप बोले डोंट। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि अगर आप अपनी एक्सेंट को भी अच्छी करना चाहते हैं तो आप डोंट को डोंट बोलें। और भी कई सारे वर्ड हैं, जैसे डिड नॉट होता है, डिन बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, डिन। इसी तरह से आप डोंट को डोंट बोलें, डोंट क्राई लाइक चिल्ड्रन, बच्चों की तरह मत रो। नेक्स्ट वन इज डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। क्या आपको एक बार में समझ में नहीं आता, इस तरह से आप किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं अगर आप बोलना चाहते हैं, डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। समय की नजाकत को समझो। कई बार क्या होता है, आप किसी व्यक्ति को समझाने के लिए इस तरह से बोल देते हैं, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम, राइट, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, फ्लैटरी इज नॉट माई कप ऑफ टी। चापलूसी करना मेरे बस की बात नहीं है, राइट, फ्लैटरी इज नॉट माई कप ऑफ टी, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा हम वाई का यूज देखेंगे, वाई को किस प्रकार से यूज किया जाता है। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको लास्ट वीडियो में और जो उससे पहली वीडियोज थी, दो तीन, उन सभी में सिखाया था कि हाउ को किस तरह से यूज करते हैं, व्हाट को किस तरह से यूज करते हैं, राइट, वैन को किस तरह से यूज करते हैं, वेयर को किस तरह से यूज करते हैं, तो उसमें जो स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था, सेम स्ट्रक्चर इसमें भी वही फॉलो होगा, राइट। सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब। इस ही स्ट्रक्चर के द्वारा आप वाई का यूज करेंगे। देखिए, मैं आपको सेंटेंस के द्वारा दिखा देता हूं। वाई डू यू लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो। देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड वाई, राइट, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट और उसके बाद आपका मेन वर्ब, राइट, तुम झूठ क्यों बोलते हो। इसी स्ट्रक्चर के द्वारा आप सभी सेंटेंस में इसका यूज कर सकते हैं। देखिए, इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, व्हाई आर यू लाइंग। सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब, व्हाई आर यू लाइंग, राइट। इसी स्ट्रक्चर के द्वारा आप सभी सेंटेंस में व्हाई का यूज कर सकते हैं, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डू यू थिंक सो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। सबसे पहले आपका यहां पर क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका थिंक यानी मेन वर्ब। इसी स्ट्रक्चर के द्वारा आप किसी भी सेंटेंस में वाई का यूज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, वाई आर यू वरिंग, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट और उसके बाद आपकी मेन वर्ब। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, वाई डू यू वरी, तुम चिंता क्यों करते हो, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, व्हाई आर यू डूइंग सो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। देखिए, जब आपको किसी सेंटेंस में ऐसा बोलना होता है तो उसके आगे आप सो लगा देते हैं, राइट। जैसे यहां पर आपने देखा, व्हाई डू यू थिंक सो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। यहां पर आपने देखा, व्हाई आर यू डूइंग सो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जहां पर भी आपको ऐसा लगाना है उसके बाद आप सो लगा देते हैं, इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा। नेक्स्ट वन इज व्हाई हैड यू गोन देयर, तुम वहां क्यों गए थे। सबसे पहले आपने यहां पर क्वेश्चन वर्ड देखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स, राइट। इसी तरह से आप सभी में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाई हैव यू कम हेयर, तुम यहां क्यों आए हो। आपका क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी मेन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स, राइट। नेक्स्ट देखिए, व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और उसके बाद आपकी मेन वर्ब। इस तरह से आप व्हाई का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा हम हु का यूज देखेंगे, यूज ऑफ हु। हु का आपको मतलब पता होगा, जिसका मतलब होता है कौन या फिर किसने।
देखिए हु का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटी सी बात बता दूं मैं, जब आप हु का यूज करते हैं तो आपको स्ट्रक्चर तो वही यूज करना होता है जो अभी मैंने पीछे बताया, राइट। लेकिन इसमें आपका सब्जेक्ट गायब होने की वजह से आपको इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखना होता है, जिस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूं। जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, जैसे आपने बोला हु विल डू दिस, राइट, तो इसमें आपका सब्जेक्ट तो गायब है क्योंकि आप उस व्यक्ति के बारे में ही पूछ रहे हैं कि यह कौन करेगा, राइट। तो आपको इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखना होता है, आपका सब्जेक्ट इसमें हिडन होता है, गायब होता है, राइट। यहां पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और उसके बाद आपको मेन वर्ब लिखनी है। आपका जो सब्जेक्ट होता है वह गायब रहता है, इसमें सब्जेक्ट आपका नहीं आता है। इसी तरह से आप नेक्स्ट सेंटेंस में देख सकते हैं हु हैज डन दिस, सबसे पहले आपने यहां पर क्वेश्चन वर्ड लिखा, उसके बाद आपने यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखी, उसके बाद आपने मेन वर्ब लिखी, उसके बाद आपके अदर वर्ड्स आ जाते हैं, राइट। अब देखें यहां पर आपने सबसे पहले जब क्वेश्चन वर्ड लिखा तो आपने कहा हु हैज डन दिस, राइट, तो यह है किसने किया। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में ही पूछ रहे हैं तो इसमें आपका सब्जेक्ट यहां पर हिडन हो जाता है, गायब हो जाता है, आप उस सब्जेक्ट के बारे में ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका यहां पर हु आता है क्वेश्चन वर्ड, आपका सब्जेक्ट इसमें नहीं आता है। इसी तरह से आप नेक्स्ट सेंटेंस में देख सकते हैं हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, राइट, सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपकी यहां पर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपकी मेन वर्ब। नेक्स्ट देखिए हु आर कमिंग, कौन कौन आ रहे हैं, सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपकी मेन वर्ब। नेक्स्ट देखिए हु विल हेल्प मी, मुझे मदद कौन करेगा, सबसे पहले आपका यहां पर क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपकी यहां पर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपकी मेन वर्ब। नेक्स्ट देखिए हु हैज कम, कौन आया है, इसी तरह से नेक्स्ट देखिए हु हैड कम हेयर, इसी तरह से नेक्स्ट देखिए हु हैड गोन देयर, सबसे पहले आपने यहां पर क्वेश्चन वर्ड लिखा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपकी मेन वर्ब, राइट। इसी तरह से आप हु का किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको वाई का यूज करना सिखाया और इसके साथ साथ हु का यूज करना सिखाया, तो आप इन दोनों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें अपने दोस्तों के साथ, जिसके साथ भी आपको एनवायरमेंट मिलता है, ओके। इन दोनों को ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश करें और जो भी आप आंसर देना चाहते हैं इनके, आप आई थिंक आप आंसर दे सकते हैं क्योंकि 12-13 वीडियो हो चुके हैं, अभी आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आने लगी होंगी। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।